नंदी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल का तो जवाब अतुल सत्य कौशिक ही दे सकते हैं, और इनसे पूछने के पहले मैं सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। नंद भारद्वाज जी जब वो राज्यसभा में थे और उन्होंने उस समय की सत्ता के खिलाफ लिखा था और हिम्मत की थी और दिल्ली कविता लिखी थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा चरित्र धोखा देता है वहाँ इतिहास हमें बचाता है, दिनकर कहते हैं। तो ये इतिहास जो है वो हमें सचमुच बचाता है, लेकिन वो इतिहास एक दुधारी तलवार है, और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी क्लासिक्स को लें, किसी पौराणिक आख्यान को लें, किसी उस तरह के चीज़ को लें और उसमें वर्तमान को ले आएँ। ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और अभी लेकिन मुझे अतुल सत्य कौशिक से एक ही उम्मीद है, जैसे कि फिरोज अब्बास खान के मुगले आजम में संभव हुआ कि उनका मुगले आजम पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला की छवियों से अलग निकल गया और आगे निकल गया। उसमें कोई पृथ्वीराज कपूर को नहीं ढूंढ रहा है, कोई दिलीप कुमार को नहीं ढूंढ रहा है। उसी तरह से अतुल सत्य कौशिक का ये नाटक चक्रव्यूह, इसमें कोई महाभारत के उस टेलीविजन सीरियल के नीतीश कुमार को नहीं ढूंढेगा, उसको भूल जाएगा, और अतुल सत्य कौशिक अपने इस नाटक में कुछ नई छवियों का निर्माण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अतुल, कैसे इसको आपने प्रासंगिक बनाया है और समय से कैसे जोड़ा है, क्योंकि हर नाटककार अपने समय के साथ मुठभेड़ करता है। कोई भी नाटककार किसी भी बात का जवाब अपने नाटक से ही दे सकता है, तो वैसे तो ये सब बातें जो कही गई हैं उनका जवाब मेरा नाटक है, वो 3 घंटे बाद होने वाला है। उसमें पूरी कोशिश की गई है और ये ज़रूरी है। मैं अभी चर्चा कर रहा था यहाँ बैठ के इतिहास, किसी भी इंसान का इतिहास उसका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो आपका पर्सनल इतिहास हो, चाहे वो हमारे देश का इतिहास हो, हमारे कुल का इतिहास हो, वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलता है। लेकिन आज के समय बहुत ज़रूरी है कि उस इतिहास को उस तरह से प्रेजेंट किया जाए जिस तरह से आज का बदला हुआ समय उसको स्वीकार कर सके, क्योंकि समय बदल रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चा दूध पीता है, दूध पी के उसको ताकत आती है, फिर वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन आज के समय में बच्चों को दूध से स्मेल आती है, उनको दूध का टेस्ट पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ उसको दूध देना बंद कर देती है, वो उसके दूध में चॉकलेट ऐड कर देती है, वो उसके दूध में बॉर्नविटा ऐड कर देती है। दूध उसके जिस्म में पहुँच रहा है, लेकिन एक नए तरीके से पहुँच रहा है। मैं आज के समय में उम्मीद नहीं कर सकता कि 18-20 साल का कोई बच्चा लाइब्रेरी जाकर महाभारत पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा। पढ़ेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इतिहास में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन आज का समय बदल रहा है। आज का समय फ्लैम्बोयंस का है, ग्लैमर का है, स्टाइल का है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बात नई तरीके से कही जाए तो फूहड़ हो जाती है। यहाँ पे आपका आर्ट एज एन आर्टिस्ट आपका कितना कमांड है अपनी कला पर। जैसा कि सर ने कहा कि हम FTI में इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ बात बड़ी अच्छी बात कही गई कि इस दुनिया में सिर्फ 3 कहानियाँ हैं, रामायण, महाभारत, लैला मजनू। इसके अलावा कोई चौथी कहानी इस दुनिया में है ही नहीं। कोई भी कहानी आप उठा लें, कहीं ना कहीं, अब आपने बाहुबली देखी, मुझको तो रामायण दिख रही थी, मुझको तो महाभारत दिख रहा था, मुझको तो दुर्योधन दिख रहा था, मेरे को तो युधिष्ठिर दिख रहा था, जब वो प्रभास जाता है तो राम वनवास के लिए जा रहे थे, मेरे को तो वही सब दिख रहा था। तो यही 2-3-4 कहानियाँ हमारे पास हैं, उन कहानियों में जो संभावनाएं हैं उनको हम कितना एक्सप्लोर कर पाए हैं, वो एक राइटर को नया चैलेंज देता रहा है। महाभारत हमेशा से एक नए लेखक को चुनौतियाँ देता रहा है, उसमें से हम क्या नई बात निकालते हैं, उन चुनौतियों को हमने लिया, सर और हम साथ बैठे। बहुत सी नई बातें ऐसी हैं जो मैं बता दूंगा तो फिर आपका नाटक देखने का मज़ा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मैं उस लुत्फ से आपको महरूम नहीं करना चाहता, तो आप नाटक ज़रूर देखें, लेकिन जो जो सर ने अपेक्षा नाटक से करी हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि लगभग सभी अपेक्षाएँ आज शाम के नाटक में पूरी हो जाएंगी। शुक्रिया अतुल। अब कुछ समय है हमारे पास, तो आप सब में से कोई भी कोई सवाल पूछना चाहे, हमारे तीनों विशेषज्ञ मौजूद हैं, नीतीश जी, नंद जी और अतुल जी, तो उनका स्वागत है। कोई भी आप लोग लेकिन सवाल कंक्रीट पूछिए, और ये मानकर मत पूछिए कि ये सब ईश्वर के अवतार हैं और दुनिया के सारे सवालों के जवाब इनको पता है, तो ये सवाल इनसे जुड़े होने चाहिए। तो आपका स्वागत है। सवाल से पहले एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो चक्रव्यूह शीर्षक है, नाम है, और
इसके पीछे जो आयुध, जो शस्त्र जुड़ा हुआ है, चक्र, ये सारे शस्त्रों में क्यों विशिष्ट या महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों कृष्ण ने उस शस्त्र को अपने लिए रिजर्व किया? कृष्ण ही धारण करते थे या विष्णु ही धारण करते थे? चक्र व्यूह में, चक्र में सबसे बड़ी खूबी ये कि वो चारों तरफ से अपनी धार रखता है, उसके नज़दीक आने की कोई हिम्मत नहीं करता। व्यूह रचना भी महाभारत में मैंने पढ़ा कि उसकी किस तरह की, हालांकि उस जैसे जब फिल्म बनी या जब सीरियल बना तो उसको उस तरह से उन्होंने रूपायित किया, लेकिन चक्र व्यूह का जो गहरा अर्थ है वो था वो तमाम तरह के किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को वो अपने से दूर रखता है और अपने भीतर गर्भ में एक ऐसा सुरक्षित एरिया, एक स्पेस क्रिएट करता है जिसको भेदना आसान नहीं, उस चक्र के अंदर आना आसान नहीं। लेकिन जो कोई भेद के अंदर पहुंच जाता है तो फिर उसे उससे बाहर आना भी मालूम होना चाहिए, अन्यथा उस चक्र से बाहर नहीं आ सकता, वो फिर उसका अंत ही सुनिश्चित है। ये इस अवधारणा के पीछे की जो कंसेप्ट है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम किसी भी समय पर जो एक बड़ी राजनीतिक या सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं और उसके भीतर बड़े से बड़ा योद्धा भी अपने को अवश्य और असहाय महसूस करता है कि किस तरह की व्यूह रचनाएँ, रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, इस तरह के युद्ध कौशल बनाए जाते हैं कि वो कामयाबी सुनिश्चित हो जाए। उस चक्रव्यूह के पीछे उस वक्त एक नैतिकता थी, उस वक्त कुछ शुद्ध नियम थे, अच्छे नियम थे, लेकिन महाभारत काल में ही उस नैतिकता का उल्लंघन हुआ, उसी समय ये उस नैतिकता को तोड़ दिया गया और वो जो टूट पैदा हुई उसने फिर आने वाले सारे समय में सारे नियमों को ताक पर रख दिया, सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई और वो जो विनाश का, जो नियमों के खंडन का काल था वो अब तक चला आ रहा है। हमारी राजनीति, हमारा लोकतंत्र, हमारा पूरा सामाजिक ढांचा इस सबसे बड़ी व्याधि का शिकार है, हम अब तक उससे बाहर नहीं आ पाए, ये सबसे बड़ी त्रासदी है हमारे समय की। आप सभी को नमस्ते। सर नितेश सर से आप, मेरा एक प्रश्न था सर, सर आप एक्टर और आर्टिस्ट दोनों हैं, तो मतलब मैं पूछना चाह रही थी एक कैरेक्टर को अडाप्ट करने में, एक कैरेक्टर को समझने में, अपनाने में कितना समय लगता है, टाइम ड्यूरेशन एज एन एक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट प्ले के? मैं आपका ये अंतर नहीं समझ पाया, एक्टर और आर्टिस्ट का। एज एन एक्टर आप मतलब काम करते हैं तो कट कैमरा एक्शन, प्रक्रिया वही है, दोनों की प्रक्रिया अलग नहीं है। जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब आप कोई भी या मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो उसके पढ़ते पढ़ते एक कुछ विजन सामने आ जाता है चिदाकाश में, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कभी बीच में हम आंखें बंद कर लेते हैं कि ये अच्छा ये ऐसा हुआ है, तो चिदाकाश में एक मतलब दृष्टि पटल पर एक कुछ चित्र उभरते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा दिखेगा, ये कैसा चलेगा, जो भाषा वो बोल रहा है उससे कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये एकदम से इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको कोई सिखा नहीं सकता। एक ही डायलॉग को चार एक्टर अपने अपने चार ढंग से बोल सकता है और फिर भी प्रभावी वो हो सकता है, तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। लेकिन जब कोई एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होता है या हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है, मैं मॉडर्न कैरेक्टर्स की अब तक बात कर रहा था, जब लार्जर देन लाइफ या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको प्रस्तुत करने से पहले बहुत कुछ अनुसंधान करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और अपने यहाँ पर साहित्यिक और हिस्टोरियंस इन सब महाभागों ने इतना सब लिखा हुआ है तो उसको पढ़ते 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 उसके जो विविध पहलू हैं वो समझ में आते हैं उस व्यक्तित्व के, और फिर वो चित्र सामने उभरता है। बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम
whether it's a film, TV serial, or a theater. नीतीश जी ने जो बताया उसमें एक चीज़ और ऐड करूँ मैं, जैसे हम टेलीविज़न या फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों को देखते हैं, बेशक थोड़ी सी बेसिक एक उस मीडिया की मांग के हिसाब से उस चरित्र में उस कलाकार में क्षमता दिखाई देती हो तो हम उसका अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि एक तो उससे हम बहुत पीसेज में छोटे छोटे टुकड़ों में उस तरह से परफॉर्म करवाते हैं तो वो निभा लेता है। थिएटर इस मामले में ज़्यादा मेहनत भी करवाता है, ज़्यादा ट्रेनिंग भी देता है। एक कलाकार जब एक बार मंच पर आ जाता है तो जैसा नीतीश जी ने कहा, फिर वहाँ रीटेक का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए वो जब भी आता है तो दो तरह से तैयार होके आता है। एक तो वो अपनी प्रक्रिया से सीख के समझ के आता है, जीवन से सीखता है, वो एक चरित्र को खुद अपने भीतर अंगीकार कर लेता है कि ये चरित्र मुझे परफॉर्म करना है। अगर कोई डायलॉग में कहीं थोड़ी बहुत कहीं उससे गलती हो भी जाए तो ये उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वो उसे निर्वाह कर ले। वहाँ फंबल करने से या वहाँ थोड़ा बहुत भी सॉरी कह करके सुधारने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए दोनों तरह से उसको उस कलाकार को तैयार किया जाता है कि आप एक तो पहली तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर कहीं आपसे इस तरह की कोई चूक हो जाए तो उसे सीधा कर लेने का हुनर भी आपके पास में होना चाहिए। ये क्षमता जिस दिन आ जाती है उस दिन हम उसको नेपथ्य से निकाल कर मंच पर पहुंचा देते हैं, ये फर्क होता है। नंद जी ने प्रस्तुतिकरण के विषय में आपका मूलतः चरित्र को समझने का प्रश्न था, उसके आगे जाके इन्होंने प्रस्तुतिकरण का बताया। प्रस्तुतिकरण में मैं ये भी आपसे कह दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कलाकार यहाँ हैं जो थिएटर के साथ टीवी और फिल्म भी कर रहे होंगे, मैंने जो पाया जो जबकि थिएटर के अपने फाउंडेशन है वो एक ट्रेनिंग अच्छी देता है, उसके एक प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगा जिस प्रकार इन्होंने कहा नंद जी ने कि यहाँ पर फिल्म में कट करते करते आप कर सकते हैं, वो बहुत अधिक डिफ़िकल्ट है, वो मुश्किल है। यहाँ पर एक बार आपने शुरू कर दिया तो इंटरवल या एंड तक आप उसी थिंकिंग में हो। टेलीविज़न या फिल्म में एक छोटा 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 टेक करते 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 उसकी सुसूत्रता, अपनी प्रस्तुति, अपनी परफॉर्मेंस की सुसूत्रता को बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोई भी जैसे केदारनाथ की शूटिंग हमने शुरू की तो सितंबर में शुरू की, सितंबर से बीच में दो दिन, चार दिन, तीन दिन, फिर अक्टूबर में पाँच दिन, अब मैं कल पहुंचूंगा तो सीधे एयरपोर्ट से जाऊंगा शूटिंग में, अब पाँच छः दिन की शूटिंग है, फिर अप्रैल तक चलेगी ऐसी शूटिंग, तो इतने छः आठ महीने तक जो मेरी एक परफॉर्मेंस है उसकी सुसूत्रता बनाए रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और डिफ़िकल्ट है। इसीलिए कई थिएटर के कलाकार फिल्मों में अडेप्ट नहीं कर पाते। थिएटर की परफॉर्मेंस एक अलग परफॉर्मेंस होती है, स्पेशली प्रोसीनियम थिएटर की परफॉर्मेंस, और फिल्म का कैमरा जो है वो एक एक छोटी सी छोटी चीज़ को आपकी पकड़ता है और एनलार्ज करके दिखाता है। तो इसीलिए कभी हम कहते हैं ना कि अरे इसने बहुत थिएट्रिकल किया, मतलब ओवर एक्टिंग की, वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो थिएटर के हिसाब से सही कर रहा है पर वो ओवर एक्टिंग लगती है। तो ये प्रस्तुतिकरण के कई ऐसे पहलू हैं जो एक एक्टर को माध्यम के अनुसार सीखने पड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मुझे लगता है आपको फिर से इस बात को चक्रव्यूह में लाना होगा। आपने चक्रव्यूह से दूर चली गई हैं आप, तो चक्रव्यूह से जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश शर्मा, आपका सब स्वागत करता हूँ। आप सबसे एक प्रश्न है मेरा कि वर्तमान जो चक्रव्यूह चल रहा है उसमें थिएटर की भूमिका किस प्रकार आगे बढ़ सकती है नौजवान के लिए, क्योंकि संचार क्रांति बहुत अधिक है और संचार क्रांति के माध्यम से थिएटर कहीं ना कहीं हमारा सुप्त अवस्था में है, उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं या मददगार हो सकता है युवाओं के लिए? धन्यवाद। वर्तमान जो चक्रव्यूह चल रहा है ऐसा आपने कहा, कौन सा चक्रव्यूह? वर्तमान चक्रव्यूह ऐसा है सर कि हमारे 15 या 16 साल से जितने भी बच्चे हैं वो सब थिएटर, यूट्यूब और ये संचार क्रांति में गए हुए हैं,
और हम चाहते हैं कि उसको थिएटर से कैसे जोड़ा जाए, तो किस तरह से थिएटर उसमें मददगार हो सकता है नौजवान बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए? धन्यवाद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्राचीन काल में ये कोई माध्यम नहीं थे, जबकि मैं इस पर अभी भी चाहता हूँ कि कोई इस पर अनुसंधान करे, क्योंकि महाभारत में जितने अस्त्रों का वर्णन है, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, समय सूचक बाण, गाइडेड मिसाइल, वो आज भी हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, पुष्पक विमान। तो भरद्वाज ऋषि जो हैं वो एरोनॉटिक्स के प्रणेता रहे हैं, जनक रहे हैं, उनके कई सारे अभी उनकी प्रतियां मिली हैं जिस पर हेलीकॉप्टर टाइप के उड़ती हुई चीज़ों के क्या कहते हैं उसको डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो या फिर संजय ने एक जगह बैठकर सारा अपनी दृष्टि से देखकर, इट्स लाइक अ लाइव टेलीकास्ट। तो क्योंकि ये अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राचीन काल में ये माध्यम नहीं थे, वरना मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। एनीवे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा तो एक नाटक ही कहीं पर जाके कलाकार एक लेखक लिख रहा था, नाटककार लिख रहा था और कलाकार उसको प्रस्तुत कर रहे थे। धीरे 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 फिर पिछले 200 वर्षों में अलग अलग नवीनतम प्रयोग हुए और प्रसार माध्यम आए, फिल्म आया, पहले सेल्यूलॉइड की एक फिल्म बनी, फिर फिल्म का पर्दा आया, फिर साउंड उसमें ऐड हो गया, करते करते फिल्म का ही एक छोटा भाई टेलीविज़न का एक वीडियो आ गया, तो टेलीविज़न आ गया, तो ऐसे अब यूट्यूब आ गया है या कल को कुछ और आएगा। ये सारे अलग अलग माध्यम हैं उसी नाट्य के, तो मेरे लिए ये सब नाटक है। हाँ, जब कोई नई चीज आती है तो समाज उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। मुझे याद है जब वीडियो आया था तो VCR मिलते थे, वो भी यहाँ नहीं मिलते थे, वो इम्पोर्टेड आते थे नेशनल और पैनासोनिक के, और ऐसी टेप्स आती थी, VHS टेप्स आती थी, और गांव-गांव में जो है वो वीडियो पार्लर खुले थे जहाँ पे फिल्में दिखाई जा रही थी, ठीक है ना। और टेलीविज़न जब आया, हम लोग सबसे पहला सीरियल आया, उसके बाद ये सारे सीरियल आए, तो एक काल ऐसा आया था इंडिया टुडे का हेडिंग था, फ्रंट पेज था उसके ऊपर, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री उससे बहुत बुरी तरह से आहत हो चुकी थी, बिजनेस नहीं हो रहा था, लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे थे, लेकिन उस नए माध्यम की नवीनता को जब समझा और देखा लोगों ने, फिर से लोग अभी थिएटर की ओर जाने लगे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, नया माध्यम आएगा, लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो हमको भी नाटक को अलग ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा, और फिर लोगों को समझ में आएगा कि लाइव देखना और टीवी में देखना, उसमें क्या अंतर होता है ना। तो इसलिए जब मुझे कई लोग कहते हैं कि वो महाभारत का डायलॉग सुनाइए, तो मैं कहता हूँ तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो तो घर में आप DVD चला के देख लो, तो यहाँ आए हैं तो कुछ नवीन देखना चाहोगे ना। तो ये नवीनता का एक एक्सपेरिमेंट हमेशा अपने को करना पड़ेगा, यही एक तरीका है चक्रव्यूह से निकलने का। मैं इसमें इतना ऐड करना चाहूँगा कि मुझे थिएटर में 10-12 साल हुए हैं, कब से सुनता आ रहा हूँ कि थिएटर मर रहा है, लेकिन मुझे कहीं से मरता दिखता नहीं है। थिएटर 400 साल से मर रहा है, अभी तक नहीं मरा है, यकीन मानिए थिएटर कहीं जाने वाला नहीं है। मैं तो जहाँ भी देखता हूँ, आप लोग इतने इत्मीनान से बैठ के बातें सुन रहे हैं, हम तो नाटक भी नहीं कर रहे, आपको बस यकीन है कि इसने नाटक अच्छा लिखा होगा, उन्होंने अच्छा किया होगा, उस यकीन पे आप हमारी बात सुन रहे हैं। नाटक तो देखना बाकी है, अभी आने वाले 10 साल जो हैं वो लाइव एंटरटेनमेंट के साल हैं। एक दिन ये सब फट जाएगा, ये जो मोबाइल में इतनी सी स्क्रीन में आप देखते हैं फिल्म, 10 साल बाद ये सब खत्म हो जाने वाला है। वापस से वो युग आएगा जब लोग घर से बाहर आएंगे, उनको एक आर्टिस्ट जब फ्लैश एंड बोन में आपके सामने परफॉर्म करता है, जब 2 फीट की दूरी पर रो रहा है,
आपको आंसू दिख रहा है बाहर निकलता हुआ, उस फीलिंग को कुछ भी मैच नहीं कर सकता है। आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट का, शाहरुख का, सलमान का, आमिर का, कितना भी खराब मूवी देख कर आएँ, आप हद से ज़्यादा उसको ट्वीट कर सकते हैं। थिएटर आपको लिबर्टी देता है कि आप मेरे सामने आके मुझे बोलें, अतुल इतना खराब नाटक कैसे कर सकता है तू, मैं आपको वो लिबर्टी दे रहा हूँ। फ्लैश एंड बोन में आप आर्टिस्ट आपके सामने खड़ा हुआ है, यकीन मानिए थिएटर इज अ मोर प्रीमियम आर्ट, यूट्यूब से, सिनेमा से ज़्यादा प्रीमियम आर्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर जिम्मेदारी आती है थिएटर आर्टिस्ट की कि वो क्या एक्सपीरियंस ऑडियंस को दे रहा है। न जाने की एक इमेज बन गई, ये थिएटर एक गरीब आर्ट है, यू नो ग्रांट दे दीजिए, फंडिंग कर दीजिए, पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है हमको, ये डंके की चोट पे थिएटर करना है। और अगर अपने काम में विश्वास है, आपको पता है कि मैं अगर ऑडियंस से पैसा मांग रहा हूँ उतनी डिलीवरी भी दे रहा हूँ, तो आप टिकट भी बेचिए, तैयार रहिए कि सिर्फ 10 लोग आएंगे, आज 10 हैं, कल 20 होंगे, परसों 30 भी होंगे। थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है, उसको ख़राब सिर्फ हम थिएटर आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। ऑडियंस बहुत है, सबसे बड़ा सबूत जयरंगम है। आप देखिए लोग बोलते हैं जयपुर डेड सिटी है, और लोग थिएटर में, अरे इतना डेड कैसे हो सकता है कि इतने लोग खड़े हैं, कल 900 लोग थे हॉल के अंदर, आप देखिए। तो कहाँ से थिएटर की ऑडियंस, कहीं से तो आ रही है। मुगले आजम दिल्ली में हुआ, वो 12 शो प्लान करके आए थे, 18 शो करके गए, सारे शो फुल, 2000 की कैपेसिटी, टिकट 10,000 रुपये का, कहाँ से आ रही ऑडियंस, आसमान से तो नहीं आ रहे। थिएटर का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, अपने काम पे विश्वास रखिए। जो भी कहता है कि थिएटर मर रहा है, उसके बोले भाई साइड हो, थिएटर कहीं नहीं मर रहा है, 400 साल से मर रहा था, अब तक तो नहीं मरा है। सर मेरा क्वेश्चन अतुल जी से है। सर मेरे लिए हमेशा से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कर्ण रहा है, क्योंकि उसके साथ बुरा भी हुआ है तो वो बुरे का भागीदार भी रहा है, तो मतलब आपके ऊपर उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ के साथ आप ये कर्ण के ऊपर प्ले कब बनाएंगे, मतलब एक पूरा। सर ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ महाभारत और रामायण फिल्म बनाता हूँ, ये मैं बड़ी मुश्किल से मैं संडे को ये इमेज तोड़ पाया हूँ। मैंने एक कॉमेडी प्ले लॉन्च किया है डैड्स गर्लफ्रेंड, और बहुत अच्छा चला गया है। कर्ण देखिए ये एक बड़ा विषय है कि कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ। एक मैंने बड़ा अच्छा मैसेज पढ़ा था व्हाट्सएप पे कि कृष्ण समझाते हैं कि तेरे साथ तो क्या बुरा हुआ जो मेरे साथ हुआ होगा, कि जिस माँ ने जन्म दिया तुरंत उससे अलग करके कहीं और भेज दिया, सगा मामा उसको मारने के लिए कभी राक्षस भेज रहा है, कभी कौवा भेज रहा है, कभी पूतना भेज रहा है, जिससे प्यार करता था उसको छोड़ के आना पड़ा, शादी किसी और से करी, तुम लड़ रहे हो, तेरा राज्य तुझे मिलेगा, दुर्योधन जीतेगा उसको मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पड़ा हूँ और तुम बोलो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तो कृष्ण अगर जस्टिफाई करने आएगा बोलेगा उसके साथ ही बहुत खराब हुआ है। ये सिर्फ दृष्टिकोण होते हैं किसके साथ बुरा हुआ, यू नो हर एक को लगता है कि भाई मैंने, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वाई मी, ये बहुत बड़ा सवाल है, वाई मी, और ये सवाल सबके पास है, वाई मी, यू नो। तो वो कर्ण बहुत फैंटास्टिक कैरेक्टर है, मुझे बहुत मोहब्बत है कर्ण के किरदार से, और हम सबके जीवन में कहना कि कर्ण के मोमेंट्स आते हैं, मैन यू फील लाइक कर्ण कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो बनाऊंगा अभिनय भाई, थोड़ा रुक के बनाऊंगा, थोड़ा दो चार और कॉमेडीज बना लूं, थोड़ी इमेज चेंज हो जाए, फिर बनाऊंगा। पर सर इस नाम जो इन्होंने सवाल पूछा, मुझे तो सवाल इनका बिल्कुल वाजिब लगा, क्योंकि आप ही ने बोला है कि ले देखे पूरे संसार में चार कहानियां हैं, तो अब आप ये बता, उन्हीं कहानियों में प्रेम भी है, व्यंग भी है, पहले वो एक्सप्लोर कर लूं पहले। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो डैड्स गर्लफ्रेंड है, वो उन चार कहानियों में से कौन सी कहानी से? अरे वो लैला मजनू, बता नहीं उन्होंने, लैला मजनू, ठीक है, लैला मजनू। लेकिन आप देखिए, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताना चाहता हूँ, कर्ण पर बहुत ब्रिलियंट और अद्भुत नाटक है मृत्युंजय, मराठी के उपन्यासकार थे शिवाजी सावंत, उनके नॉवेल पर, और वो मृत्युंजय दुनिया भर में और देश भर में बहुत सारे सैकड़ों बार हो रहा है, कर्ण महारथी है, कर्ण भारम है उन पर, तो बहुत सारे, और उस पर तो दिनकर ने रश्मिरथी लिख दी, और वो भी रश्मिरथी भी आजकल काफ़ी प्रचलित है, नाटक हो रहा है। लेकिन जो उन्होंने एक बात कही थी कि चक्रव्यूह से कैसे मुक्ति मिलेगी और क्या होगा, देखिए मैंने सारे देश में और सारी दुनिया में देखा है कि जो ये नाटक है उसमें हमेशा एक पीढ़ी आती है, जनरेशन आती है। इस समय लगभग 22 भाषाओं में
200 से ज़्यादा प्रोमिनेंट डायरेक्टर हैं और करीब करीब लाखों नौजवान देश भर में नाटक में लगे हुए हैं। हाँ, एक नॉस्टैल्जिया जरूर है जो गिरीश कर्नाड और शंभु बादल और ये सब तमाम है, वो शंभु मित्र और ये मोहन राकेश और ये विजय तेंदुलकर का वो जो एक बड़ा बना हुआ एक बहुत बड़ा एक बना था, लेकिन अब उसकी कोई सामूहिक उपस्थिति रंगमंच, जैसे जयपुर में ये बता रहे थे दीपक गेरा जी पिछली बार की 365 दिन नाटक हो रहे हैं, भोपाल में आपको भारत भवन बुक कराने जाइए एक दिन खाली नहीं मिलता, पटना में कालिदास रंगालय खाली नहीं मिल रहा है, पृथ्वी थिएटर के लिए दो दो साल से लाइनें लगी हुई हैं, बुकिंग नहीं मिलती हैं, दिल्ली में नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से इस देश में तो चल रहा है, जो लोग अब चूंकि रंगमंच एक पूरे 125 करोड़ की आबादी वाले देश में एक कल्चर का एक थोड़ा सा ये एक रूप है, तो वो उस रूप में नहीं दिखेगा जैसे कि टेलीविज़न में और सिनेमा में चीज़ें दिखती हैं, तो लाइव है ना, तो होता रहेगा, इसलिए निराश होने की जरूरत। एक सूचना मैं देना चाह रहा था आपके सवाल के संदर्भ में, कर्ण पर हमारे राजस्थान में बहुत सारे काव्य और उस तरह के नाटक पर काम हुआ है, मैंने पिछले सालों में एक काम कर्ण पर किया था, कर्ण कथा। इस कथा को बेस बनाकर मेरा एक नाटक अभी चल रहा है जो मैं अभी लिखने की प्रक्रिया में हूँ, और वो लोक में किस तरह से, लोक में महाभारत और रामायण भिन्न तरह से आती है, वहाँ वो चरित्र बेशक वो नाम और बाकी उनकी कंसेप्ट आइडेंटिटी वही रहती होगी, लेकिन वो चरित्र लगभग वैसे ही होते हैं जैसे उस लोक के अपने होते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर एक कम्युनिटी है भीलों की, उन भीलों का अपना महाभारत, वो खेलते हैं, ये जो बहुत सारे जो गवरी के माध्यम से इनके माध्यम से खेलते हैं, उनमें भी जो कथा आती है वो भिन्न तरह से आती है, और वो लगभग उन्हीं के अपने एरिया के लोगों को आइडेंटिफाई करती हुई है कि वहाँ भीम भी होता है तो वैसा ही भीम होता है जो उनके बीच का कोई बलशाली आदमी होता है। ऐसे स्थान हैं जिनके नाम उनसे आज तक जुड़े हुए हैं। बाड़मेर जो अपना इंटीरियर राजस्थान में डेजर्ट का एरिया है, वहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ भीमगोडा नाम का स्थान है, यानी उनको कहते हैं कि अब भीम ने आगे घुटना टिका दिया तो वो इतना गहरा गड्ढा हो गया। या एक जगह है जो भीमटोल है, ये बड़े बड़े जो पत्थर आते हैं वो इन्होंने भीम ने फेंके थे, वो आकर के यहाँ पड़े, इसलिए भीमटोल है। इस तरह की कंसेप्ट है। तो मेरा जो ये नाटक जो बना रहा हूँ वो लोक में कर्ण की किस तरह की इमेज है उस पर बेस्ड है, और वो जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जब द्रौपदी का चीर खिंचा था तो वो हंस रहा था, इसमें ये पोइट जिसने ये उसकी कंसेप्ट बदला, उसने कहा उसकी हंसी उन द्रौपदी पर नहीं थी, उसकी हंसी उस पूरे उस आयरनी पर थी, उस त्रास्ती पर थी कि ये ऐसा करके किस तरह से सारे के सारे आत्मविनाश की तरफ जा रहे हैं। वो उससे अबव था, उसके मन में द्रौपदी के प्रति बहुत इज्जत थी, वो कभी उसने उस तरह से नहीं लिया, लेकिन वो वचन में जिस तरह से भीष्म बंधा हुआ था, जिस तरह से कर्ण बंधा हुआ था, उसकी वजह से उसको उसी मर्यादा में परफॉर्म करना था, अन्यथा कर्ण एक बहुत, आपने महाभारत भी देखा है जिसमें जिस तरह से पंकज जी को जिस तरह के शेप में प्रस्तुत किया, वो कर्ण वही है, और कर्ण एक पॉजिटिव करेक्टर है, एक सकारात्मक चरित्र है, हमारे इतिहास में हमारे पुराण में भी वैसा ही है, उसे और भी बेहतर ढंग से समाज ने ग्रहण किया है और उसी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिवाजी सावंत ने भी ऐसा ही प्रस्तुत किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भारद्वाज जी, नीतीश भारद्वाज जी, अतुल सत्य कौशिक जी। हमें अब इस संवाद को यहीं ख़त्म करना होगा, और आइए 4 बजे और 7 बजे आज का नाटक देखें। शुक्रिया।